Hey guys, this is Fabric of Vaibhav. I have two bus cycles over here. This is from the company known as Raleigh, and this is from the company known as Firefox. Both are quite popular bicycles. So, the Firefox is that is an Indian brand, but the Raleigh is a brand from UK, and isko jo Santos is wo import karta hai India ke andar. So, let's see ki in dono bicycle mein kya configuration mil jate hain. So, front mein agar aap dekhenge, to yahan par aapko samne shifter mil jayega normal sa. That is 3x8, लेकिन अगर आप Raleigh देखेंगे जिसमें आपको 3x7 का ऑप्शन मिल जाता है. तो नंबर ऑफ गियर्स अगर हम देखेंगे तो Raleigh में थोड़े कम है, इसमें ज़्यादा है, लेकिन अब भी चीज़ें डिफरेंट है. सो अगर आप पीछे के गियर्स देखेंगे, दिस इज़ अ शिमानो टूर्नी विच इज़ अ बेसिक बाइसाइकिल, लेकिन अगर हम फायरफॉक्स को देखेंगे दिस इज़ अ माइक्रो शिफ्ट. सो एट दिस पॉइंट आई वुड से कि शिमानो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन एग्जैक्टली सिर्फ 19-20 का ही फर्क होता है. तो अगर आप वही वाली बात है, एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आपका क्या बोलते हैं एंड्रॉइड है तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर ऑफ गियर्स मिल जाते हैं, जो एप्पल है उसको क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, फर्क सिर्फ यही है. सो अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे सस्पेंशन देखेंगे, यहाँ पे कोई भी लॉकआउट नहीं मिलता है फायरफॉक्स, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे इन दी Raleigh तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन का लॉकआउट फीचर मिल जाता है. दोनों ही बाइसाइकिल जो फ्रेम्स हैं दीज आर अलॉय फ्रेम्स, एंड इसे अगर हम प्राइसिंग देख लेंगे तो Raleigh की जो बाइसाइकिल है दिस गोज़ टू 24,000 रुपीज़, लेकिन दिस वाली बाइसाइकिल है ये क्लोज टू 27,000 रुपीज़ है. तो काफ़ी 3,000 रुपये एक्सपेंसिव है. जनरली जो इन कॉन्फ़िगरेशन की बाइसाइकिल्स होती हैं इनमें 2 या 3 मतलब एक या 1,500 रुपये का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता. 3,000 का फर्क थोड़ा सा कंसीडरेबल फ़र्क है अगर आप देख रहे हैं तो. सो लेट्स सी कि इसका जो फ्रेम है कैसा है. इसका जो थोड़ा सा टेपर टाइप का डिज़ाइन है, थोड़ा सा एजेस है, लेकिन जो आपको फायरफॉक्स है थोड़ा सा राउंडिश टाइप का डिज़ाइन, मतलब इतना टेपर नहीं है एज़ कम्पेयर टू द Raleigh. नाउ द टायर्स ऑन द बाइसाइकिल, लेट्स सी कि जो Raleigh है इसमें आपको रैलसन के टायर मिल जाते हैं. दीज आर इंडियन टायर्स बिकॉज रिसेंटली इम्पोर्ट बैन हुआ है तो इसलिए चीज़ें चेंज हो गई हैं. लेकिन जो फायरफॉक्स है इसमें आपको केंडा के टायर मिलते हैं. सो अगर हम रोड परफॉर्मेंस देखेंगे तो केंडा के टायर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द Raleigh, लेकिन हो सकता है ऑफ रोड में शायद ज़्यादा परफॉर्म करें. तो अगर आप रोड पर चला रहे हैं, नॉर्मल चला रहे हैं, एक ही गियर में चला रहे हैं, ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो आई वुड से कि फायरफॉक्स में कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा. अगर आप ज़्यादा शिफ्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा ऑफ रोड जा रहे हैं, तो मे भी आपके लिए ज़्यादा Raleigh अच्छी रहेगी. अगर मैं प्राइस वाइज देखूँ तो मुझे Raleigh थोड़ी सी बेटर लगी एज़ कम्पेयर विद द फायरफॉक्स, लेकिन अगर मैं रोड परफॉर्मेंस देखूँ तो मे बी फायरफॉक्स ठीक हो. वही वाली बात है, सिर्फ टायर की वजह से मैं इसको बेटर बोलना, अगर सिर्फ टायर भी कोई और होता तो हो सकता है मैं Raleigh को ज़्यादा बेटर बोलता. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. वीडियो कैसे लगे आप मुझे बता सकते हैं. ये मेरा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल था तो आप मुझे वीडियो भी लाइक कर सकते हैं, मेरे प्राइमरी यूट्यूब भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए मेन कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ एंड मेन सिनेमैटिक हो गया, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी उसके बारे में, तो आपको सारी चीज़ें मेरे प्राइमरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी. वीडियो पसंद है इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बाइसाइकिल दिखाएं तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं. एंड ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना. दिस फैब्रिक वैभव साइनिंग ऑफ.